नमस्कार दोस्तों, यदि किसी करदाता के विरुद्ध इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी प्रोसीडिंग में कोई असेसमेंट ऑर्डर या बहुत से केसेस में पेनल्टी ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर वगैरह पास किए जाते हों, तो उनके पास में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान अनुसार अपील करने का एक ऑप्शन होता है। तो एज ए लेमैन कोई व्यक्ति इस अपीलेड प्रक्रिया को या उसकी हायरार्की को, या मैं कहूं कि उसके अनुक्रम को किस प्रकार समझ सकता है, उस दृष्टि से मैं आज की ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मेरा इस वीडियो का मूल उद्देश्य आपके सामने इनकम टैक्स की अपीलेट हायरार्की को आपके सामने रखना है कि क्या अनुक्रम है, किस प्रकार इनकम टैक्स की अपील के स्टेज होते हैं, कि आप किस किस अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहली अथॉरिटी जिसके समक्ष आप किसी असेसमेंट ऑर्डर के विरुद्ध, पेनल्टी ऑर्डर के विरुद्ध जो कि असेसिंग ऑफिसर ने लगाया हो, अपील फाइल कर सकते हैं, सबसे पहली अथॉरिटी है दोस्तों सीआरटी अपील्स, कि आप सीआरटी अपील के अगेंस्ट के पास में अपील कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के किसी असेसमेंट ऑर्डर, किसी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर या किसी पेनल्टी ऑर्डर के विरुद्ध। मान लीजिए सीआरटी अपील में आपने अपील करी, वो अपील आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गई, आपको लगता है अनूप जी अब मुझे सेकंड अपील और अपील फाइल करनी है क्योंकि मेरा केस सीआरटी अपील ने सही नहीं डिसाइड किया, तो आपको सेकंड अपीलेट स्टेज मिलेगी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जबकि सीआरटी अपील एक इनकम टैक्स अथॉरिटी ही है, लेकिन क्योंकि उन्हें क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी माना गया है कि उनका जो अपब्रिंगिंग हुई है वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है इन टर्म्स ऑफ गिविंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो अगर आपको सीआरटी अपील में रिलीफ नहीं मिलता तो आप आईटीएटी में अपील कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखें दोस्तों कि यदि सीआरटी अपील में असेसी जीत गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीआरटी अपील के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वो भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आईटीएटी में आपको रिलीफ मिला, डिपार्टमेंट चाहे तो वो हाई कोर्ट में जाए, या आपको आईटीएटी में रिलीफ नहीं मिला और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे केस आगे भी लड़ना है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब भी हम डिस्प्यूट कोई होता है एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में तो वो दो प्रकार के क्वेश्चन पर होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का उदाहरण ये दे सकता हूं आपके समझने के लिए कि अच्छा एक एसेट मान लीजिए खरीदी तो वो किस दिन खरीदी गई, वो खरीदने की डेट तय करना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ। अब वो एसेट जो खरीदी गई क्या वो प्लांट एंड मशीनरी थी, या वो फर्नीचर थी, या वो कंप्यूटर थी डेप्रिसिएशन रेट के पर्पस से, ये सर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है। ये एक उदाहरण से मैंने आपके सामने बात रखी। हाईकोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बात कहना चाहता हूं दोस्तों के सीआईटी अपील और इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट दोस्तों केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही कंसिडर करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाईकोर्ट के समक्ष नहीं उठाए जा सकते। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि न केवल हाईकोर्ट के समक्ष क्वेश्चन ऑफ लॉ हो बल्कि रिलेवेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके बाद में यदि हाईकोर्ट में अपील डिसाइड होती है आपके फेवर में, या आपके फेवर में नहीं डिसाइड हुई, डिपार्टमेंट के फेवर में हुई, आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं प्रोवाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। तो दोस्तों ये चार अपीलेट स्टेज इनकम टैक्स की अपीलीय प्रक्रिया में जनरली इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली स्टेज सीआरटी अपील, दूसरा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, तीसरा हाईकोर्ट और चौथा सुप्रीम कोर्ट। ये चार अपीलेट स्टेज काम करती है। अब दोस्तों आपको एक ब्रीफ आइडिया अपील बिफोर सीआरटी अपील के संदर्भ में भी देता हूं कि मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट पे कोई असेसमेंट ऑर्डर, कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर या कोई पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 246 से रेड विथ सेक्शन 250 एंड 249 के प्रावधान अनुसार अपील लगा सकते हैं। ये अपील जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सीआरटी अपील कहलाएगा। ये अपील दोस्तों ऑनलाइन की जाती है आपके लॉगिन से ही इन फॉर्म ऑफ फॉर्म 35, कि आपको एक फॉर्म 35 ऑनलाइन फाइल करना है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट के थ्रू भी ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब अपीलेट फीस दोस्तों यहां पर होती है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग अपील
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 दिन के अंदर अंदर जब आपको रिलेवेंट ऑर्डर या डिमांड नोटिस कम्युनिकेट होता है उसके अंदर अंदर आपको सीआईटी अपील को अपील कर देनी चाहिए। यदि आप किसी जेन्युइन रीजन से 30 दिन में अपील नहीं कर पाए सीआईटी अपील के समक्ष, तो आप उसके बाद भी डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट के साथ अपील कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको, यदि आप सीआईटी अपील के समक्ष अपील करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में दिया। अब एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं दोस्तों, अपील बिफोर आईटीएटी, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करना। ट्रिब्यूनल्स बनाने का बेसिक पर्पज यही होता है दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, कि ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंट टू डिपार्टमेंट काम करती हैं और ट्रिब्यूनल एक प्रकार से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन देने के लिए, ताकि एक इंडिपेंडेंट वे में किसी पर्टिकुलर मैटर पर ऐसा कार्यक्रम किया जा सके, ऐसा डिसीजन लाया जा सके जो कि एक्सेप्टेबल हो और साथ के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जो बर्डन है वो कम किया जा सके। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप अपील करना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास में सीआईटी अपील का ऑर्डर हो सकता है, या यदि किसी केस में सीआईटी ने सेक्शन 263 में रिवीजन ऑर्डर पास किया हो या सीआईटी ने पेनल्टी लगाई हो तो भी आप अपील में आईटीएटी के समक्ष सीधे जा सकते हैं। साथ ही ये भी बात इंपॉर्टेंट है, यदि सीआईटी अपील ने आपको फेवर किया और डिपार्टमेंट उस फेवर को सही नहीं मानता है तो फिर डिपार्टमेंट भी आईटीएटी में अपील में जा सकता है। ऐसी अपील दोस्तों फॉर्म 36 में फाइल की जाती है। प्रिस्क्राइब अपीलेट फीस आपको पे करनी पड़ती है यदि आप आईटीएटी में अपील करते हैं एज एन एसएससी, और ऐसी अपील फाइल करने का दोस्तों जो निश्चित पीरियड है, निर्धारित पीरियड है, वो है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिलेवेंट ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील और सीआईटी एज द केस मे बी। हालांकि यदि कोई मुझसे कहेगा कि अनूप जी किसी जेन्युइन रीजन से डिले कंडोनेशन हो सकती है, बिल्कुल सर, यहां भी डिले कंडोनेशन देने की पावर ऑनरेबल आईटीएटी बेंच के पास रहती है। अब दोस्तों बात करता हूं अपील बिफोर हाई कोर्ट। यदि आपके केस में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप अंडर सेक्शन 260 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अपील बिफोर हाई कोर्ट फाइल कर सकते हैं। ये जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं और मेरा कोई मैटर है तो जुरिडिक्शन हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट होगा जहां पर मेरी अपील फाइल होगी। देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये बात मैंने पहले से रखी। और हाई कोर्ट के समक्ष फाइल करने की, अपील फाइल करने की समयावधि जो इनकम टैक्स लॉ में निर्धारित है वो 120 दिवस निर्धारित है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। साथ ही दोस्तों ये कहूंगा कि हाई कोर्ट का एक अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से प्रोसीजर गवर्न होता है, तो हाई कोर्ट स्वयं उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करता है जो हम रेज करते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट जारी करते हैं। फाइनली दोस्तों हाई कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है, और यदि आपके अगेंस्ट डिसाइड हुआ हो मैटर और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिलेवेंट अपीलेट सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है वो सेक्शन 262 है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से और अपनी खुद के उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अनुरूप डिसाइड करते हैं। फाइनली दोस्तों ये वीडियो यह बात करते हुए आपके साथ समाप्त करना चाहता हूं कि यदि आपके केस में कोई ऐसा असेसमेंट ऑर्डर है या पेनल्टी ऑर्डर है या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आपको विचार करना चाहिए कि ओके मैं क्यों ना इस ऑर्डर के विरुद्ध अपील फाइल करूं। और इनकम टैक्स लॉ के अनुरूप सर अपील फाइल करने की फीस बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये भी एडवाइस करना चाहूंगा कि दोस्तों यदि हम अपील फाइल करते हैं तो हमारी जो डिमांड ऑलरेडी रेज्ड है वो आउटस्टैंडिंग चलती रहेगी, तो उस डिमांड पर डिपार्टमेंट हमें असेसी इन डिफॉल्ट मानते हुए ब्याज की कैलकुलेशन लगातार करता रहेगा, तो हमें उस ब्याज के प्रति सतर्क रहना है। और अगर आप जीत गए तो वो डिमांड हटेगी तो उसका ब्याज भी कॉन्सिक्वेंट हट जाएगा, और यदि आप किसी वजह से जीत नहीं पाए तो आपको मय ब्याज आने वाले समय में वो भुगतान करना पड़ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं असेसीज एट लार्ज को इस वीडियो के थ्रू अपडेट करना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।